सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी क्योंकि मामला जगमोहन का है। मैं और एक सेकंड, एक सेकंड, बिल्कुल गलत बात है, अमीश देवगन बोलने का अवसर दो, अमीश देवगन गलत बात है ये, बिल्कुल बोलने का अवसर दो, ऐसे दुष्प्रचार मत करो। क्या दुष्प्रचार है? अच्छा मुझे बताइए, सरकार साझा किसकी थी वहां पर? सरकार साझा किसकी थी? जगमोहन ने कितनी चिट्ठियां लिखी थी? जगमोहन ने कितनी चिट्ठियां लिखी थी राजीव गांधी को? कितनी चिट्ठियां लिखी थी बताइए? आप बोलेंगे मैं बोलूं? झूठ बोलना बंद करो। झूठ आप बोल रहे हैं, मैं कभी अपने पैनलिस्ट को नहीं बोलता, आप गलत बोल रहे हैं, संवेदनहीन हो रहे हैं, आप जले पे नमक डाल रहे हैं कश्मीरी पंडितों को। आप झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। अरे क्या लाभ आपको लगता है? शुक्रा ये फिल्म चुनावों में नहीं आई, नहीं तो आप लाभ करते, चुनावों में पिक्चर आई है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। शुक्रा ये फिल्म चुनावों में नहीं आई, नहीं तो आपका विलाप होता पूरा। पर हमला हुआ, 13 को मौत के घाट उतार दिया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अमरनाथ यात्री पर 2017 में हमला हुआ, जिसका लॉजिक नहीं है। आपके पास तथ्य नहीं है? राजीव गांधी को कितनी चिट्ठियां लिखी थी जगमोहन ने? सुधांशु त्रिवेदी, राजीव गांधी को कितनी चिट्ठियां लिखी थी जगमोहन ने? देखिए अभय दुबे जी, आपने प्रबुद्ध प्रवक्ता होकर जिस प्रकार की आपने सच और झूठ की बात कही, मैं सिर्फ आपसे 3 फैक्ट पूछता हूं। नंबर 1, आपने कहा कि भाजपा विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ साझा सरकार में थी। मैं चुनौती से कहता हूं, एक मंत्री का नाम बताइए जो वीपी सिंह सरकार में बीजेपी का मिनिस्टर था। नंबर 2, आपकी पार्टी ने कहा कि जगमोहन आरएसएस के एजेंट थे, तो जब इमरजेंसी लगी थी तो जगमोहन दिल्ली के एलजी थे कि नहीं? और जब आरएसएस पर बैन लगा था तो इंदिरा गांधी ने एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को गवर्नर बना रखा था, या इंदिरा गांधी खुद आरएसएस की एजेंट थी? किस ढंग के एपिसोड और वाहियात कमेंट आप लोग करने के लिए हो जाते हैं। और दुख की बात जानते क्या है अमीश जी, ये वो पार्टी है जिसका अध्यक्ष दावा करता है वो खुद एक कश्मीरी पंडित है, और वो जिस राज्य से जाकर चुनाव लड़ता है वही की कांग्रेस ये ट्वीट करती है कि ऐसा तो कुछ केरल कांग्रेस। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि केरल में जाते हैं और पहले तो कहते हैं, अब मुझे आके समझ में आया उत्तर भारत में तो सतही बात होती है, और जहां के राज्य का होने का दावा करते हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के फोटो दिखाते हैं, उस राज्य के लोग के लिए कहते हैं तो मारे ही नहीं गए थे, और ये लोग तो नैरेटिव सेट करने में इतना माहिर हैं, इतने गजब के कहते 399 मारे गए थे। अरे आपने तो वो नैरेटिव सेट किया था अभय दुबे जी, विभाजन में 20 लाख लोग मारे गए, 2.25 करोड़ बेघर बार हुए, विश्व की बड़ी से बड़ी रक्त रंजित क्रांतियों में 6 महीने में 20 लाख मारे नहीं गए, 2.25 करोड़ बेघर बार नहीं हुए, पर नैरेटिव क्या था? बगैर खून की एक बूंद भाई हमें आजादी मिल गई। तो आप लोगों ने क्या सच है क्या झूठ कैसा छुपाया है सबको पता है। और जगमोहन ने जो चिट्ठियां लिखी थी वो छोड़िए, जगमोहन की चिट्ठी, ये बताइए कश्मीर में 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराना कब बंद हुआ? 1988 किसकी सरकार थी? अगर एक जज की हत्या कर दी जाती है जस्टिस गंजू की, और उसके बाद कई घंटों तक उनकी शव को उठाने कोई नहीं आता है, किसकी सरकार थी उस समय? राजीव गांधी की सरकार, जिसको भारत के इतिहास में आज तक सबसे शक्तिशाली बहुमत मिला। इसीलिए जो अभी अशोक पंडित जी ने कहा, और मैं याद दिला देना चाहता हूं, हमें बचपन की बात याद है, 83 के वर्ल्ड कप के बाद जब वेस्टइंडीज की टीम भारत आई थी, 83 एक वनडे मैच श्रीनगर में भी रखा गया था, भारत वेस्टइंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, भारत मुर्दाबाद के नारे लगे, इतना बवाल हुआ कि मैच बीच में रोक देना पड़ा। किसकी सरकार थी? इंदिरा जी की सरकार थी। इसलिए तैयारी जमाने से चल रही थी, जो जगमोहन राजीव गांधी को लिख लिख के हार गए, इसलिए मैंने जो फैक्ट बताए हैं। विनम्रता से वीपी सिंह सरकार में एक भाजपा के मंत्री का नाम बता दीजिएगा, और जगमोहन जी को आरएसएस पे प्रतिबंध रखते हुए क्यों उन्होंने केरल एलजी बनाया? केरल केरल कांग्रेस ओके रिजवान अहमद, मैं आपके पास आता हूँ। केरल कांग्रेस ने तो ट्वीट किया और कहा कि देखिए सिर्फ पंडित नहीं मारे गए थे, ज्यादा तो मुसलमान मारे गए। क्या आपको लगता है कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है जिसमें यह कहा जा रहा है? अवसर नहीं दोगे क्या? अबे दुबे क्यों इतने विचलित हो रहे हैं? नीचे एक बैंड पढ़ लिया है क्या आपने कि G23 की बैठक चल रही है? उनको बोलने दोगे? G23 की बैठक चल रही है, विचलित हो गए क्या? मुझे बोलने G23 की बैठक में हुड्डा मनीष तिवारी शामिल हो गए, विचलित हो गए हैं क्या आप? इत्मीनान से कश्मीरी पंडितों के दर्द पर आप एक सेकंड देखिए, ये मुझे लगता है विलाप फिर शुरू हो गया आपका, शांति रखिए। देखिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है,